हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइस, क्या आपके भी फ़ोन से ये वाले जो प्रॉब्लम है सोल्व नहीं हो रही है, नॉट इनफ फ्री स्पेस वाली प्रॉब्लम, तो कैसे आप इसे हटा सकते हैं परमानेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, इसे हटाने के लिए मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन नाम की सेटिंग मिलेगी, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है जहां पर सभी एप्लीकेशन रहते हैं। अब आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सभी ऐप्स यहां पर शो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मोबाइल के देखिए यहाँ पर सभी ऐप्स शो होंगे। अब आप इनमें से जो ऐप यूज नहीं करते हैं, जो ऐप नहीं चलाते हैं, उसे यहाँ से डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐप को डिलीट करता हूँ, चलिए इसे डिलीट करते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से आप सभी जो ऐप आप यूज नहीं करते हैं उन्हें डिलीट कर देना। और गाइस, इतना करने के बाद आपको अगर खाली करना है अपने मेमोरी कार्ड को, तभी वाला प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो आपको ऐप पर क्लिक करना है, स्टोरेज यूजेज पर जाना है और यहां से क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। इसी तरीके से आप सभी ऐप को क्लियर डेटा कर देना। ध्यान रहे गाइस कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को क्लियर डेटा नहीं करना है और किसी गेम को क्लियर डेटा नहीं करना है और बाकी सभी ऐप्स को कर देना। ऐसा करने से गाइस काफ़ी जो आपके मोबाइल में स्पेस रहेगा खाली हो जाएगा, जिससे कि ये वाला प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा। फिर आपको सेटिंग में जाना है, ऊपर थ्री या टू डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। फिर आपको जाना है देखिए फ़ोन स्टोरेज में, यहाँ पर जो हिडन फाइल्स रहते हैं इस प्रकार के, उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है और गाइस आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद बैक आना है, फिर रिसेंटली डिलीटेड पर क्लिक करना है और यहां से डिलीट ऑल पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। इतना जैसे ही आप कर लेंगे आपके फ़ोन से ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।